इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, इट्स अ ग्रुप सच दैट ए इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल के आ रहा है, पहले उसको आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट ए है और उसके अंदर अगर हम ई को मल्टीप्लाई करते हैं और ए आता है, तो ई को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उसने बोल रखा है कि कोई भी एक ग्रुप जी है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उसने एक एलिमेंट दे रखा है कि एक ए एलिमेंट है जो जी के अंदर से बिलोंग करता है। तो अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए आ रहा है, तो वो सिंपल सी बात यही बोल रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ए के बराबर है, ये बात आप प्रूफ कर दो। ठीक है, जैसे देखो हम ए ही करते हैं, ए आता है तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे उसने ए ए मल्टीप्लाई किया, ए आया, तो ये वाला जो ए है या ये वाला ही ए बोल दो, कोई भी ए बोल दो। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट में भी होता है राइट में भी होता है, आपको भी मालूम है। तो बस इतना दिखाना है कि जो ए है वो ई के बराबर है, तो कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, बस थोड़े से स्टेटमेंट का यूज करेंगे और ए इक्वल टू ए होता है उसका यूज करेंगे। ठीक है, हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन में हमको हमारे पास है एक सेट ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप और एक एलिमेंट ए है। ठीक है, और क्या, एक सेकेंड मार्कर को चेंज कर दिया जाए, ये वाला लाइट हो गया है। ठीक है, चलो और क्या है, एंड एलिमेंट, एंड एलिमेंट ए दे रखा है जो क्या जी के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम ए ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए आ रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर कोई वन बना लो, बाद में हम यूज कर लेंगे। ठीक है, वी नो दैट इफ ए इंटू ई किया जाए, या ए ही साथ में लिख लो, डॉट मत दिखाओ, अगर ए ही आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, देन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन है और इसको कोई इक्वेशन नंबर टू बना लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम वन एंड टू हम क्या बोलेंगे, अगर जो आपका e होता है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर, या a e के बराबर होता है, ये बोल दो सिंपली। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चन में करना ही नहीं था। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो,